हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ नीरज कुमार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइंस एमसीक्यूज फॉर PSSSB लैब अटेंडेंट। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट रिमेंस कंजर्वड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कौन सी चीज़ है जो कंजर्व रहती है? सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दैट इज योर मैटर। तो जो मैटर होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल लें तो मिथेन और ऑक्सीजन को मिला के बिफोर द केमिकल रिएक्शन जो दोनों का वेट बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वो 80 ग्राम बढ़ रहा है। अगर हम केमिकल रिएक्शन के बाद देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम उनके वेट को कैलकुलेट करते हैं तो उनका जो मास है वो भी 80 ग्राम ही होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही नया मास क्रिएट होता है और ना ही एग्जिस्टिंग मास जो है डिस्ट्रॉय होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन एटम ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन शेल कॉल्ड। तो न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एंड द राइट आंसर इज योर एटॉमिक रेडियस। सो ई ऑप्शन इज योर राइट आंसर। वी कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम कि जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है और जिसमें मोस्ट ऑफ द मास जो होता है एटम का कंसनट्रेटेड होता है, जिसमें आपके प्रोटोन और न्यूट्रॉन ये दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, जिसमें हम ये अपनी तरफ से अज्यूम करके चलते हैं कि जो एटम होता है वो एक स्फेरिकल इन शेप होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सी यूनिट को यूज़ करते हैं? राइट ऑप्शन इज बी एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली हम जो कार्बन 12 है, C12 है, ये आइसोटोप होता है, उसको हम रेफरेंस लेके उसको एज अ बेस एटम मांग के तो उससे हम जो है एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट करते हैं। इसमें कार्बन C12 का जो 1/12 मास है उसे एक एटॉमिक मास यूनिट मानते हैं, यानी कि 1/12 ऑफ द कार्बन C12 का जो मास है उसे हम एक एटॉमिक मास यूनिट मानते हैं, और उसका जो वेट है दैट इज नियरली दिस 1.6660 × 10⁻²⁻²⁷ kg। तो उस हिसाब से देखें तो प्रोटॉन का जो मास है वो 1.0072 यूनिट है और न्यूट्रॉन का है 1.0086। तो हमें इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट डिफाइंड एज। तो किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द सम ऑफ द मासेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होके उनका इंडिविजुअल मास को हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, उनका सम का जो टोटल आएगा दैट वुड बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट होल एलिमेंट। व्हाट इज द मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल क्या होता है? सो मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें टू और मोर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, एंड दैट इज़ योर ऑप्शन सी, स्मॉलेस्ट इनडेफिनेट यूनिट विच इज़ अ प्योर सब्सटेंस मे बी डिवाइडेड व्हाइल रिटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल में इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। HCl जिसमें ये जो छोटा एटम है दैट रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एंड द बिगर एटम इज रिप्रेजेंटिंग हियर द क्लोरीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन।
तो इनकी एटोमिसिटी क्या है? सो देयर एटोमिसिटी इज टू। तो बेसिकली एटोमिसिटी होता क्या है स्टूडेंट्स? एटोमिसिटी होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर पाए, उसको हम उस एलिमेंट का एटोमिसिटी बोलते हैं, कि वो कितने एटलीस्ट नंबर जो है कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, एंड दैट इज़ व्हाई हाइड्रोजन इज डायटोमिक। तो इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स की रिक्वायरमेंट है एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और बाकी सब जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी एटलीस्ट टू जो हैं एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है एक कांस्टेंट या स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री पार्टिकल्स दैट मेक अप द, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एटम के वो कौन से थ्री पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, एंड दैट इज योर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जहाँ पे जो होता है द होल नियरली होल मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड, और इसका साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द होल एटम। तो ये बहुत ही छोटे से पॉइंट में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो किसी भी एटम को दूसरे एटम से जुड़ने के लिए या रिएक्ट करने के लिए, कंबाइन होने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और या कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसको स्टेबल बनाने के लिए, तो हम उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे एटम्स के केमिकल रिएक्शन में उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंपाउंड? तो कंपाउंड क्या होता है? तो राइट ऑप्शन इज सी, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो जब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं फिक्स रेशियो में तो वह कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, एंड दैट कंपाउंड जो होता है वो प्योरीन फॉर्म होता है। व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है? सो आयन क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई एटम होता है या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस कारण जो होता है उसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स जो है चेंज हो जाते हैं, और इस केस में जो वो एटम है वो एक्चुअली आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और द राइट ऑप्शन इज ए। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा जिसमें जो है कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या उसको लूज कर रहा है किसी और को दे रहा है, तो वो जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो यू कैन सी ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वो एक न्यूट्रल एटम होता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो ओवरऑल उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। वेयर एज अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, वहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम से लिया जा रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाएगा एक एनायन में, नेगेटिव चार्ज एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई जो पॉजिटिव चार्ज एटम है उसको हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज एटम को एनायन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड्स टुगेदर इन आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें दो आयन्स एक कटायन और एक अनायन मिलके जो है एक कंपाउंड बनाते हैं, उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी जो बॉन्डिंग रहेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगी, वो भी आयनिक बॉन्ड ही होगी। सो राइट ऑप्शन इज सी, आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the electronic configuration of calcium after it loses two electrons? तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं इस तरह के कि कैल्शियम अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल की कन्फिग्रेशन किसके साथ मैच करेगी? तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका जो एटॉमिक आउटर मोस्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसका जो नंबर है वो सॉरी ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 18 होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन इसका नाम है, आर्गन से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? तो किसी भी एटम का अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो कैपेसिटी होती है हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैलेंसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिजर्व्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो ये क्वेश्चन उसके साथ मिलता जुलता है जो हमने पहले किया था। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन से पहले जो मास रहेगा केमिकल्स का वो आफ्टर द रिएक्शन भी सेम रहेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, द मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम? तो ऑब्वियसली जो किसी भी एटम में जो सभी पार्टिकल्स का मास का सम होगा वो उसका मास बन जाएगा। सो देयरफॉर द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास जनरली जितना भी सम होता है एलिमेंट्स का किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उसका टोटल सम उसका मोलर मास होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, द सम ऑफ टोटल मास इन ग्राम्स ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इन पर मोल, पर मोल में इसको हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर मास? मोलर मास की यूनिट क्या होगी? तो मोलर मास की यूनिट होगी ग्राम पर मोल। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मोलर मास क्या होता है। सो मोलर मास इट इज द सम ऑफ द ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे C2H2 है, ये इथाइन का फॉर्मूला है, और इसके जो हम अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो उसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी योर ग्राम पर मोल। व्हाट डिटरमाइंस द वैलेंसी ऑफ एन एटम? किसी भी एटम की वैलेंसी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू कंबाइन द एटम विद अदर एटम्स। ये किसी भी एटम की वो कैपेसिटी होती है कि किसी और एटम से कंबाइन हो सके। तो उसमें या तो आपको लूज करना होता है या तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना होता है, तो उसकी वैलेंसी होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, द कैपेसिटी टू गेन लूज और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो शेयर करने हैं हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। वैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनसाइड जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और वो एटम के अंदर ही बने रहते हैं। हाउ आर द केमिकल फॉर्मूला रिटन फॉर कंपाउंड? केमिकल फॉर्मूला कैसे हम राइट करते किसी कंपाउंड के लिए? सो राइट ऑप्शन इज बी, यूजिंग द केमिकल सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन का एच होगा, ऑक्सीजन का ओ होगा, नाइट्रोजन का एन होगा। तो इस तरह से हम केमिकल सिंबल्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में लिखते हैं। जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, तो ये उनकी रेशो। थैंक यू वेरी मच, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट और सुजेशन रिलेटेड टू दिस चैनल प्लीज़ राइट योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।